हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स ओके इन द सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में ये जो एसआर लैपटॉप है E1570G एस्पायर, तो इसमें प्रॉब्लम है ग्राफिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक या फिर ग्रीन डॉट आ जाता है पिक्सेल में। तो पहले फॉर्मेट करते हैं तो कुछ देर तक ये ठीक चलता है, उसके बाद दो तीन घंटा बाद अगर ड्राइवर इंस्टॉल ना करे तो, मतलब एनवीडिया जीफोर्स का ड्राइवर अगर इंस्टॉल ना करे ग्राफिक्स कार्ड का, तो ये ठीक चलता है दो तीन घंटा। उसके बाद क्या होता है, फिर वीडियो TDS का एरर आता है और मुश्किल से चल भी जाता है तो ये स्क्रीन जो है वो पिंक हो जाता है या फिर ग्रीन हो जाता है, डॉटेड लाइन आ जाता है इसमें और पूरा स्क्रीन जो है वो कलर चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, जैसे कि पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, कंटिन्यूसली शिफ्ट होता रहता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये प्रॉब्लम दिखाने के लिए मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं दो बार फॉर्मेट कर चुका हूँ, तो अभी मैं ये मदरबोर्ड का ग्राफिक्स का इशू है, तो इस वीडियो में मैं ग्राफिक्स कन्वर्शन करके दिखाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। वीडियो TDR फेलर। ये जो बोर्ड है इसमें ग्राफिक्स में प्रॉब्लम है इसका। ऑलरेडी ऐसा जो बोर्ड होता है जिसमें ग्राफिक्स इनबिल्ड होता है, तो ये जो मॉडल है, पार्ट नंबर है इसका LA9535P। ठीक है, ये SR एस्पायर है। अच्छा, तो इस पार्ट नंबर का जो बोर्ड है, तो और ऐसे जितने भी बोर्ड्स हैं जिसमें ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ट होता है, तो उसमें ग्राफिक्स का उम्र होता है 4 to 5 years।
उसके बाद ये ख़राब होता ही होता है ये बोर्ड, इसमें जो ग्राफिक्स होता है वो फ्लिकरिंग हो रहा है, पिंक ग्रीन ऐसा पिक्सेल वर्टिकली लाइन आ रहा है कंटिन्यूसली और फ्लिकरिंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें सर। तो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, इसमें डिस्क्रीट टू उमा जो मतलब ग्राफिक टू नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट करूँगा मैं इस बोर्ड को, ठीक है। तो इसमें तीन बोर्ड्स ऐसे हैं SR की, LA7912P, LA7912P एंड LA6901P एंड LA9535P। ये तीनों बोर्ड में सिर्फ ये जो कॉयल है ग्राफिक्स का जो सप्लाई है इसको हटाने से ही ये बोर्ड डिस्क्रीट टू उमा मतलब नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऑटो सेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉयल है, यहाँ पे ये है PL502 है, ये जो कॉयल है ये ग्राफिक्स की सप्लाई है। तो मैं इस कॉयल को हटा दूंगा यहाँ से, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका ग्राफिक्स ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा करके देखते हैं। मैंने ये कॉयल निकाल दिया है, तो अभी इसको चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इधर दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए अब डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। तो अभी इसमें हार्ड डिस्क लगा के देखते हैं, चालू हो गया है, अभी तक कोई फ्लिकरिंग नहीं है। यहाँ पे जो है DGPU प्रेजेंट हैश, ये सिग्नल है कि हाँ ग्राफिक्स कार्ड प्रेजेंट है। तो हमको क्या करना है कि इसको, ये जो सर्किट है इसको क्लोज कर देना है। तो हम इस रजिस्टर को उठा सकते हैं, देखते हैं। ये जो मदरबोर्ड है इसमें रजिस्टर के पास इसका नंबर नहीं दिया गया, तो इसके लिए मुझे बोर्ड व्यूअर जो है वो निकालना पड़ेगा। आप देखिए, ये देखिए, ये है हमारा LA9535P का बोर्ड व्यू। तो इसमें हमको देखना है R1 to 4, R1 to 4 आप देख रहे हैं, जो जिसका एक नंबर पिन ग्राउंड है, ये देखिए ग्राउंड, और दो नंबर पिन में DGPU प्रेजेंट का सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो और ये जो है ये नॉट कनेक्टेड है, ये R122 है, ये नॉट कनेक्टेड है, ये अभी कनेक्टेड नहीं। तो हमको क्या करना है, ये जो 124 है, 124 रजिस्टर है, इसको निकाल देना है बोर्ड से। उसके बाद हम देखेंगे कि सेम प्रॉब्लम परसिस्ट होता है क्या, ठीक है। तो R124 जो रजिस्टर है वो हम निकाल देंगे। तो ये एक्चुअली D5 के पास है, D5 मतलब डायोड 5 है, यहाँ पे लिखा है बोर्ड में डायोड 5, और इसके पास ही है 122 एंड 124। तो ये दोनों, तो मैं ये 124, ये दोनों पास है, तो 124 को मैं निकाल दूंगा, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे है 124 रजिस्टर, इसको हम निकाल देंगे।
मैंने ये रजिस्टर निकाल दिया है, चलिए अभी देखते हैं लगा के कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये ठीक हो गया है, ये देखिए मैंने फॉर्मेट किया इसको, इसके बाद अभी ये ठीक है पूरा। ऐसे में कम से कम 3-4 घंटा चला के रखूँगा, उसके बाद देखते हैं।